अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विकेट कीपर बल्लेबाज सुरेंद्र खन्ना जी। बताते चलें, आज जो एशिया कप भारतीय टीम खेलने जा रही है, पहली एशिया कप में मैन ऑफ द सीरीज हुए थे। आइए बात करते हैं उनसे बिहार क्रिकेट को लेकर, क्योंकि बुध में भी देखा गया है कि बिहार में कोई अच्छी क्रिकेट होती है तो सुरेंद्र खन्ना जी बिहार के बच्चों को आशीर्वाद देने जरूर आते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया सर। लगातार आप बिहार के बच्चों को आते हैं, आशीर्वाद आपका मिलता रहता है, तो बिहार के बच्चों को देखकर और बाकी के बच्चों में आपको क्या अंतर लगता है? कोई अंतर नहीं लगता। आज बिहार का क्रिकेट और दूसरे जगह क्रिकेट बात करें तो थोड़ा नीचे है बिहार का क्रिकेट। देखो, प्रशासन कैसा है क्रिकेट में, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, आप क्या सुविधाएं अपने बच्चों को दे रहे हैं, किस तरह की सोच आपकी जो है अपनी क्रिकेट को लेके आगे है, बच्चे बच्चियों को किस तरह से आपने, हम अगर डिमांड करें उनसे परफॉर्मेंस तो हम उनको पहले प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं, किस तरह के कोचेज लगा रहे हैं, किस तरह के ट्रेनर्स, किस तरह के कैंप्स करा रहे हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें दुरुस्त करते हैं उसके बाद रिजल्ट्स की बात होती है। जैसे कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करोगे तो पहले 3 साल में प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, मिनिमम 3 साल आप ये सोच के चलो कि इन्वेस्टमेंट है, 4th साल में कुछ आपके पास जो है नगद नारायण आना शुरू होगा। तो यही मेहनत जो है, जैसे खिलाड़ी अपना पसीना निकालता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स उनकी प्रायोरिटी क्या है, क्या केवल जब टूर्नामेंट आ जाए उससे पहले, अब वो बातें मैं नहीं बोलूँगा, मैं सुनता रहता हूँ, आदित्य बाबू और संजय और जो लोकल्स हैं उसके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं। और जहाँ तक मेरा बिहार आने की बात है, मेरे को हिंदुस्तान में कोई भी, मैं अभी कश्मीर भी गया था, मैं अभी दुबई भी गया था, तो जहाँ भी मैं कमर्शली कम करता हूँ काम, अपनी मन को जिससे खुशी मिलती है जाके, आपको अगर रेस्पेक्ट इज्जत मिलती है तो वहाँ जाना चाहिए। हमारे वालिद साहब कहा करते थे, कद्र खो देता है रोज़ का आना जाना। अगर आप कहीं पे रोज़ जाओगे बिना बुलाए जाओगे तो दैट स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, पानी भी नहीं कोई पूछे, यार जाके अपने आप ही ले ले यार वो फ्रिज में से, चाय वहाँ खुद ही बना ले यार, केटल पड़ी हुई है, तो कभी कभी जाओ अच्छा रहता है। और क्रिकेट मेरा पैशन है, क्रिकेट ने मुझे नाम दिया जो है, जो सम्मान दिया, मैं स्टील अथॉरिटी में रिटायर किया स्पोर्ट्स हेड, लोग कहते थे खिलाड़ी काम नहीं करते, तो एज अ स्पोर्ट्स हेड मैंने 10-12 साल, जब मेरी वाइफ ब्रेन कैंसर से पीड़ित थी उस समय मैंने जो है स्पोर्ट्स हेड किया, और आज भी लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो ये बिहार से एक नाता कि यार रमेश सक्सेना, हरि गिडवानी, दलजीत सिंह, बलिंद्राज भल्ला और तमाम जो बेहतरीन खिलाड़ी, रणधीर सिंह, बलदेव सिंह खेला करते थे जब ये कम्बाइंड था, और वो मेरे साथ कॉलेज में भी पढ़ते थे उनमें से कई लोग, रमेश भाई के तो हम फैन थे, और फिर मौका मिला उनके साथ खेलने का, उनके खिलाफ खेलने का, उनके साथ समय बिताने का, तो बिहार से कुछ प्यार इस तरह का है। और अब संजय और आदित्य ने जब मुझे फ़ोन किया दिल्ली में आके मिले कि भैया हमें आपकी ज़रूरत है ऐसे ऐसे, हम तो मैंने कहा आप कैंप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, उसमें अच्छे ट्रेनर को बुलाओ, तो संजय ने जो है संजीव को बुलाया जो BCCI का बहुत होनहार अपना स्पोर्ट्स में जिस तरह से फिटनेस या ट्रेनिंग पंजाब के साथ था, उससे पहले अभी झारखंड में इसे कैंप के लिए बुलाया था, उसको फिनिश करके, या अभी और लंबा इसका वहाँ स्टैंड था, लेकिन जैसे ही संजय ने फ़ोन किया आदित्य ने तो ये तुरंत यहाँ पे आ गया। तो बच्चों को एक इससे आइडिया मिलेगा कि क्रिकेट इज़ नॉट ओनली कि मैच से 4-5 दिन पहले ट्रायल रख दिया जो दिखावा मात्र है, और आपने कम्पीट करना है जो फिटनेस ट्रेनर्स के साथ, जो टीमें जिनके कंडीशनिंग कैंप पहले लगे हैं उनके साथ कम्पीट करना है आपने। तो जब तक आप पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे और किसी शेप में आएंगे तब तक तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड बिगनिंग, इस तरह की सोच इनकी, ये तो अपने पैसे से करा रहे हैं क्या, तो ये अच्छी शुरुआत है। और मुझे मौका मिला कुछ बच्चों से अपने, और मैं जब तक यहाँ हूँ उनसे बीच बीच में बात करता रहता हूँ, बाकी ट्रेनिंग का पार्ट जो संजीव करा रहा है इज़ अ प्रोफेशनल, इसने शेड्यूल 31 तक का बनाया हुआ है,
तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, एक बारी कंट्रोल इनके पास आ जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जिस भी संस्था में ये क्रिकेट में हैं तो क्रिकेट आपकी प्रायोरिटी होगी, तभी उसमें रिजल्ट्स की आप उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, किसी के पास मैजिक वैंड नहीं होता है, अलादीन का चिराग नहीं है कि खुल जा सिमसिम और इंडिया चैम्पियन हो गए। एक सिस्टम आपको बनाना होगा, फिटनेस लेवल बच्चों के, बच्चे बच्चियों के रेगुलर बेसिस पे आपको, आपके पास अपनी ग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ रेगुलर आप जो है क्रिकेट करवाएं पूरे साल। अब तो क्रिकेट ऐसा नहीं है कि सीजनल है, अब तो बारिश अगर है तो आपके पास इंडोर फैसिलिटी भी होनी चाहिए, अपनी हो तो बेहतर है, बीसीसीआई इतने पैसे देता है, वो आपके ऊपर है किस तरह से आप अपनी प्रशासन को रखते हैं कि बीसीसीआई से आपको रेगुलर वो ग्रांट आती रहे। फिर आप जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है आहिस्ता आहिस्ता करके स्ट्रेट अवे, अगर आपके 40 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो आप वहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मैं कहूँगा कि आप पहले साल में कहो कि 10 डिस्ट्रिक्ट में बेसिक फैसिलिटीज़ बनानी है। मुझे याद आता है ब्रजेश पटेल कर्नाटका, उन्होंने अपने एक एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़ के वहाँ बेसिक जैसे अच्छी पिचेस, अच्छे नेट्स, क्रिकेट खेलने की उन्होंने जो है ग्राउंड मैन स्लोली करते करते कर्नाटका में पूरे डिस्ट्रिक्ट में कर दिए। आज देखो कर्नाटका कितनी ऑर्गेनाइज है, और कर्नाटका का ग्राउंड हिंदुस्तान में एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे कितनी भी बारिश हो जाए और आधे घंटे पौने घंटे के बाद वहाँ मैच हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर आपके पास विल है कि आप क्रिकेट में आए हो, हमने क्रिकेट में कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, केवल अपने बेटे के लिए नहीं, बिहार का हर बच्चा हमारा है, इस देश का हर बच्चा, मुझे जहाँ भी बुलाते हैं मैं जाता हूँ, हो सकता है नेक्स्ट विजिट मेरी सजीव जहाँ पहुँचे मैं वहाँ पे वहाँ की स्टेट कोई ना कोई मेरे को बुला ले। तो क्रिकेट से लगाव है, और अगर हमारे आने से कुछ बच्चों को एक दो बातें भी वो अगर पकड़ लेंगे और उनका फ़ायदा हो जाए, कल को हायर ग्रेड खेलते हैं तो हमें खुशी होती। सर, आपके समय का क्रिकेट और तो वर्तमान क्रिकेट में क्या अंतर है? देखो, हमारे समय के क्रिकेट और आज की क्रिकेट में, आज भी बॉल 5.5-6 ounce का है, हाँ लाल पीली पिंक ये वो चीज़ें, नाइट क्रिकेट आ गई, 22 गज की पट्टी है, बैट भी वैसे ही है, स्टम्प्स की हाइट भी वही है, विकेट का साइज भी वही है, तो वो बदलाव की कलर्ड क्लोथिंग में क्रिकेट हो रही है, लाइटों में हो रही है, बेसिक्स आज भी नहीं बदले, जिसके बेसिक स्ट्रांग हैं, जैसे इमारत अच्छी वहाँ खड़ी होगी जिसमें नींव अच्छी हो। तो मेरा हमेशा मानना है T20 आ जाए, वनडे आ जाए, आपको कई ऐसे वंडर्स मिलेंगे जो एक इनिंग खेलेंगे, दो खेलेंगे, उसके बाद वो गायब हो जाएंगे, बट जिसके बेसिक्स अच्छे हैं, जैसे म्यूज़िक है, गायकी है, जिसका रियाज अच्छा है, वो जो है लंबा चलता है, जिसने शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है और उसका रियाज रोज़ का 3-4 घंटे है, तो वो जो है 50-50 साल तक गाते हैं। तो ऐसे ही खेल है, आप फिटनेस अपनी करेंगे। हमारे ज़माने में हम अपने आप ही देखते थे, जैसे मैं खेलता था जिस टीम में, उसमें चेतन चौहान थे, मोहिंद्र अमरनाथ, सुरेंद्र अमरनाथ, बिशन सिंह बेदी, ये तमाम बड़े प्लेयर थे, और भी बहुत नामी प्लेयर थे, मैंने लांबा साहब थे, वेंकट सुंदरम, हरि गिडवानी और तमाम, राकेश शुक्ला जो हमारे सीनियर थे, सुरेश लुथरा, तो हमने देखा कि मोहिंद्र अमरनाथ जो जिस तरह की ट्रेनिंग करते हैं, बेदी साहब जब आते थे अपना इंग्लैंड से खेल के आए काउंटी क्रिकेट से, उन्होंने ट्रेनिंग कराई हमको, तो कुछ लोग कहते थे कि भाई ये तो जिस तरह अपने कुत्ते को दौड़ाते हैं वैसे दौड़ाते हैं, वो कहते थे जब तक शर्ट गीली नहीं है तो आपने नेट में नहीं जाना, और अगर हम सुबह कॉलेज में ट्रेनिंग करते थे और 3.5-4 घंटे हिंदू कॉलेज में सुबह और दोपहर को बेदी साहब का नेट शुरू होना है दिल्ली का, वहाँ पहुँचे तो फिर दोबारा शर्ट गीली करो, हम ये नहीं कह सकते थे कि सर 4 घंटे सुबह हम मेहनत करके आए। अंदर मन में कई बार ये आता था कि यार ये सज़ा है क्या है, लेकिन उसी की बदौलत हम 20-25 साल जो है क्रिकेट खेले, 15 साल में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, वही फिटनेस, कोई ट्रेनर नहीं था, क्योंकि क्रिकेट एक पैशन, एक जुनून है। आप मेरे को कहेंगे कि कहीं पे दावत पे चलना है, मैं कहूँगा नहीं यार मैं तो बिजी हूँ या मैं रेस्ट कर रहा हूँ। आप कहेंगे क्रिकेट के लिए चलना है कहीं पे, पेप टॉक देनी है,
कहीं पे चीफ गेस्ट बनना है या जो भी जिस भी रोल में आपको, तो मैं एकदम से फिट हो जाता हूँ। और हमारे घर वालों को, वाइफ को भी यही दिक्कत रहती थी कि आप क्रिकेट से आपने जो है शादी की हुई है, हमसे क्यों की? अब वो नहीं है, आई लॉस्ट हर। तो क्रिकेट इज़ अ पैशन। कोई भी आप पत्रकारिता करते हैं, 40 डिग्री 100 डिग्री ह्यूमिडिटी है इतना गर्मी में, और आप यहाँ पे पता चला आप आए हुए हैं हमसे बातचीत करने, तो ये आपका जुनून है। पैसा इज वन एस्पेक्ट, दैट इज़ वन एस्पेक्ट, बट सेटिस्फैक्शन आपको, खुशी मन को किससे मिलती है, वो मेरे लिए क्रिकेट है। एनीथिंग कनेक्टेड विद क्रिकेट। और अगर सही मायने में बोलते बहुत हैं लोग कि आई वॉन्ट टू नाउ सर्व द गेम, पता चला 10 करोड़ ले रहा है वो NCA में जाके, या कहीं कमेंट्री में घुस के रोज के 5 लाख 10 लाख ले रहा है, तो वेयर इज ही? क्या वो नेट चला रहा है अपने नाम की एकेडमी, और वहाँ पे पता नहीं कौन खड़ा हुआ है? तो आप जब तक खुद बच्चों के साथ नहीं शेयर करेंगे अपना अनुभव कि किस तरह से तेंदुलकर 3-3 घंटे जो है नेट में घुसने से पहले ट्रेनिंग कर रहा है, विराट कोहली 2-2 घंटे जो है ट्रेनिंग कर रहा है, भले ही 0 पे आउट हो जाए, वर्क कल्चर जो है आपका अच्छा, क्योंकि ये मेरा शौक है, ये मुझे काम लगता ही नहीं है। मुझे आप कहेंगे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग कर दी, वो मैं काम करूँ? मैं स्पोर्ट्स का हेड था तो मैं तो, मेरा तो पैशन था खेल। मैं दफ्तर में बैठूं या मैदान में, अगर मैं मैदान में हूं तो मैं काम कर रहा हूं, दफ्तर में बैठा हूं तो आई एम जीरो। ये मेरी सोच है। एंड क्रिकेट इज़ अ पैशन, और बिहार में बहुत टैलेंट है, 101 होनहार बच्चे हैं, बच्चियां भी बहुत अच्छी हैं, तो उन्हें सही दिशा और एक अच्छा प्रशासन, ऑनेस्ट प्रशासन, कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम आए तो एसोसिएशन पर बहुत दबाव होते हैं, कोई CBI का दबाव है, कोई नेता का दबाव है, कई डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ से आपको काम रहता है या जिससे आप ग्राउंड ही लेते हो, आपका अपना ग्राउंड नहीं है, वही अगर कह दे कि एक हमारा बच्चा है हमारे नेट का, लेकिन आपके जो पहले 12-13 हैं उस पर तो कंप्रोमाइज़ ना कर गया। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, कहना नहीं चाहिए, एक बारी मैं सेलेक्टर था तो हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, उनका बेटा आ गया और वो अंडर 22 में 100 रन भी बनाए थे उसने। तो मेरे साथ जो को सेलेक्टर्स थे उसमें चेतन चौहान जी, नाउ ही इज नो मोर, वो चेयरमैन थे, वाइस प्रेसिडेंट थे DDCA में, मदन लाल नेशनल सेलेक्टर थे, वो को चेयरमैन थे, राकेश शुक्ला थे, कीर्ति आजाद थे MP मेंबर पार्लियामेंट, और चेतन भी BJP से थे और BJP के ही चीफ मिनिस्टर का लड़का था। अगर आप ऑनेस्टली काम करते हो ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते, लेकिन आपकी कॉन्शियस क्लियर होनी चाहिए। उसमें एक टेक्निकल फ्लॉ था, मैंने उसको जब देखा खेलते हुए मैच में, कि जब बाउंसर लगता था तो विकेट छोड़ के तीनों पीछे हट गया। तो मैंने उसके वालिद साहब से बात की, CM साहब से, फंक्शन में मिलते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, छोटे भाई की तरह मानते थे। मैंने कहा सर ये टेक्निकल फ्लॉ है, ये हमारा बच्चा जो है इसको मैं इंडिया खेलता देखना चाहूँगा, केवल दिल्ली की टीम में नहीं, ये DDCA वाले आपको खुश करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा ये बच्चा अगर 100 रन बनाता है, इसमें वो काबिलियत है, इसका टेम्परमेंट बहुत शांत है, कूल है, ये खेल सकता है, ये टेक्निकल फ्लॉ है, इसको मैं समझा दूंगा कैसे बैक एंड अक्रॉस आना, और ऐसे कर दे या छोड़ दे। साइड ऑन रहते हुए मैंने फास्ट बॉलिंग खेली हुई है, हमारे ज़माने में तो हेलमेट भी नहीं थे, अब तो बहुत सुविधाएँ आ गई हैं, हेलमेट है, चेस्ट गार्ड है, ये आर्म गार्ड है, सब तरह के गार्ड हैं। तो मैंने उनकी ये नॉलेज में ये बात कई मर्तबा उनको कही हुई थी। तो अब वो 4 एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, तो मैंने कहा आप सेलेक्ट कर दीजिए, बट मेरी इस पर रजामंदी नहीं है, और वो जो साइन जिस कागज़ पे करवाओगे उसमें मैं लिख दूंगा कि भाई इसमें ये टेक्निकल फ्लॉ है, तो मेरी इसमें रजामंदी है। अब आप कितनी भी डिस्कशन करो, जो प्रशासक हैं वो आपको बताएंगे, डिस्कशंस आपकी होती हैं, आपके विचार जो है हो सकता है ना मिले, लेकिन सिलेक्शन यूनानिमस होती है, इस तरह की बातें लिखी नहीं जाती। तो मेरी कॉन्शियस को वो गवारा नहीं, मैं बोला आप अगली बारी मुझे रखो ना रखो, मेरे ये रोज़ी रोटी नहीं है,
मैं यहाँ नहीं तो मैं अपने नेट पे चला जाऊँगा, मेरी एकेडमी चलती है, वहाँ भी मैं पैसे नहीं लेता, फ्री में करता हूँ कोचिंग, जिन कोचेज को खड़ा करता हूँ पैसे उनको, तो नहीं रखा साहब हमने। वो बच्चा आज भी मुझे मिलता है, अब मैं उसकी तारीफ करूँगा, उसने कभी मेरे से ग्रज नहीं किया कि सर आपने मेरे को जो है आप छोटा भाई मानते हो, भाई बेटे की तरह प्यार करते हो, लेकिन मुझे सिलेक्ट नहीं किया था, मैं तो टेक्निकल फ्लॉ दूर कर दूंगा। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ भी आया हूँ तो मेरे से अगर कोई बच्चे को फ़ायदा होता है या कहीं भी मैं जाता हूँ, आई एम रेडी किसी भी टॉपिक पे बात, क्रिकेट रिलेटेड बात करने के लिए। मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता और ना मैं उस तरह का इंसान हूँ, स्पष्ट बात करता हूँ, डरता मैं किसी के बाप से नहीं, भगवान से डरता हूँ। जब हमने 150 मील की गेंद जो है बिना हेलमेट के खेली, आप उससे ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा टेम्परामेंट कैसा रहा होगा। तो बच्चों को फ़ायदा हो जाए, सही राह उनको दिखा सकें, और मेरा ये मानना है इसी सिस्टम में ईशान शर्मा भी आया, विराट कोहली भी आया, रोहित शर्मा भी आया, इन्होंने तो पैसे नहीं दिए, बॉल आपके हाथ में, अगर आप रोज़ 5 विकेट निकालोगे तो आपका दुश्मन के मुँह से भी निकलेगा यार क्या बोल रहा है, और अगर रोज़ सैकड़ा मारोगे, 200 मारोगे तो उसके मुंह से निकलेगा कि भाई ये तो इतने रन बनाता है, टीम एक आधा प्लेयर खेलने वाला भी होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या भविष्य में भी सुरेंद्र खन्ना सर का आशीर्वाद और साथ यूँ ही बिहार क्रिकेट को मिलता रहे? प्यार से बुलाओगे हम हमेशा अवेलेबल हैं, जहाँ इज्जत मिले, प्यार मिले, बच्चे सीखने को तैयार हैं, उनमें जोश है, जो यहाँ दिख रहा है किस तरह इस गर्मी में भी ट्रेनिंग बच्चे जो है कर रहे हैं, संजीव उनको करा रहा है, उसने शेड्यूल बनाया हुआ है, और अच्छे प्रशासक आदित्य जिसने इतनी लड़ाई लड़ी है, संजय को तो मैं अभी मिला हूँ, बट जो मुझे उसमें नज़र आया है जो गुण, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ और आता रहूँगा अगर आप बुलाते रहेंगे, और आप इस तरह इंटरव्यू करने अगर दिल्ली आ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा, यहाँ बैठ के तो आप मज़े में फ्री में ले लेते हैं। धन्यवाद सर, ये थे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरेंद्र खन्ना।